उस पद को धारण कर सकता है और उसे कहते हैं लोक नियोजन की समानता। क्या कहते हैं भाई? लोक नियोजन की समानता। सभी व्यक्ति को अवसर की समानता प्रदान की जाती है यदि उस पद के लिए वो क्या रखता है, योग्यता रखता है। तो क्या रखता है? यदि उस पद के लिए वह व्यक्ति योग्य है तो वो किसी भी सरकारी सेवा में उसे अवसर प्रदान किया जाता है, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। किसी भी प्रकार का भेदभाव उस व्यक्ति के साथ नहीं किया जा सकता है। अगली जो आती है वो है अस्य प्रसिद्धता का अंत, और ये अनुच्छेद 17 में वर्णित है। अनुच्छेद किसमें है? 17 में वर्णित है। अस्य प्रस्ता का अर्थ होता है छुआछूत ना करना। छूत न करना। देखो, कोई भी व्यक्ति, सबसे बड़ा जो विडंबना थी हमारे देश में वो ये थी कि व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर भेद किया जाता था, ऊंच नीच की भावनाएं रखी जाती थी। हमारी संविधान निर्माताओं ने जो देश की एकता और अखंडता को बाधित करने की जो सबसे बड़ी भारत के लोकतंत्र के समक्ष चुनौती थी, वो चुनौती थी अस्य प्रस्ता। एक व्यक्ति के साथ दूसरा व्यक्ति अस्पृश्य समझा जाता था, छुआछूत की जाती थी, छूने से व्यक्ति अपवित्र माना जाता था। इसलिए हमारी सरकार के द्वारा, हमारे संविधान निर्माताओं ने सबसे बड़ा जो लोकतंत्र के लिए खतरा था वो था छुआछूत के द्वारा, इसको अंत, इसका अंत कर दिया गया। इसके ऊपर छुआछूत निवारण, अस्पृश्यता निवारण कानून 1955 बनाया गया, उसको बदल करके अब उन्होंने नागरिक समानता अधिनियम बना दिया गया है। और सबसे बड़ा जो सख्त कानून बना वो 1989 में बना। 1989 में अस्पृश्यता निवारण पर सबसे महत्वपूर्ण कानून बना बीपी सिंह की गवर्नमेंट ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे 89 में। और व्यक्ति के साथ, व्यक्ति के द्वारा जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, विशेषकर मैं कहूंगा कि अस्पृश्यता का निवारण कर दिया गया। अब प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक पुस्तकालय में जा सकता है, सार्वजनिक पार्कों में जा सकता है, वाचनालय, होटल, कुएं, तालाब, इन सभी पर यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत करता है तो सरकार के द्वारा इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा न्यायपालिका ऐसे व्यक्ति को, जो भेदभाव कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाता है। अर्थात ये हमारा समानता के मूल अधिकार का अगला भाग था अस्पृश्यता का अंत, जो कि अनुच्छेद 17 में आता है। कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अस्पृश्यता का निवारण किस अनुच्छेद के तहत कर दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का निवारण कर दिया गया, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अगला जो आती है वो आती है उपाधियों का अंत।
उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत कर दिया गया है समानता के मूल अधिकार के द्वारा, और ये अनुच्छेद 18 में वर्णित है। कौन से अनुच्छेद में? 18 में। 18 में शिक्षा और सेना की उपाधियों के अलावा कोई व्यक्ति कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में संपत्ति के आधार पर व्यक्ति को उपाधियां दी जाती थी। किसी को लंबरदार कहा जाता था, किसी को जागीरदार कहा जाता था, लेकिन संविधान निर्माता जो थे उन्होंने इन उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अब केवल और केवल उपाधियां मिलेंगी तो शिक्षा में और सेना में जो उपाधियां होंगी। इनके अलावा यदि कोई व्यक्ति विदेश से भी कोई उपाधि धारण करना चाहता है तो उसमें राष्ट्रपति की अनुमति लेना बहुत जरूरी होता है। अर्थात इस तरीके से आज हमने समानता के मूल अधिकार को अच्छे से पढ़ा। तो इस तरीके से समानता का मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित था, और जिसमें पहली समानता आई समानता, कानूनी समानता अनुच्छेद 14, दूसरी आई लिंग, धर्म, जाति, नस्ल, अन्य स्थान, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव न करना अनुच्छेद 15 में वर्णित है, लोक नियोजन की समानता अनुच्छेद 16 में वर्णित है, और छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है, और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है।